सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो एबीपी सांझा। पुलिस अफसरां ते तस्करां दी गण तुप नूं लै के एसआईटी दी रिपोर्ट ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वड्डी कार्रवाई की है। सरकार ने एआईजी राजजीत सिंह नूं नौकरी तो बर्खास्त कर दिता है। इन्ना ही नहीं, विजिलेंस नूं हुक्म दिता गया है कि राजजीत सिंह दी जायदाद की भी जांच की जाए। हाई कोर्ट दे विच एसआईटी दी रिपोर्टां खुलन तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार कार्रवाई का दम भर रहे सन। अखीर हुण एक्शन हो गया है। ड्रग तस्करां ते अफसरां दी गण तुप ते एसआईटी दी रिपोर्टां दे आधार ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वड्डा एक्शन लिया। मुख्यमंत्री मान ने तत्कालीन एसएसपी ते एनआरआई विंग च एआईजी हेडक्वार्टर तैनात राजजीत सिंह नूं बर्खास्त कर दिता है। सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दिती है। नशा तस्करी च शामिल किसी नूं भी बख्शा नहीं जाएगा। सीलबंद लिफाफियां दी रिपोर्टां नूं कोखण तों बाद राजजीत सिंह पीपीएस नूं ड्रग तस्करी केस विच नामजद करके तुरंत नौकरी तों बर्खास्त किया जाता है। विजिलेंस नूं चिट्टे दी तस्करी नाल कमाई हुई जायदाद दी जांच कर ली भी कहा गया है। 28 मार्च नूं ही हाई कोर्ट वल्लों खोलियां गईयां रिपोर्टां दे आधार ते मान सरकार ने एक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री मान ने अपने ट्वीट ते स्पष्ट किया है कि सरकार ने विजिलेंस नूं चिट्टे दी तस्करी नाल कमाई हुई जायदाद दी जांच लई भी कह दिता है। नतीजा हुण बर्खास्त पुलिस अफसर राजजीत सिंह दी जायदाद भी जांच दे घेरे च है। रिपोर्टां दे विच राजजीत दी जिहड़ी जायदाद दा जिक्र है तो उस दे विच ये है कि राजजीत की पत्नी मुखबीर कौर ने 2013 दे विच 7 कनाल 2 मरले जमीन खरीदी। मोहाली दे पिंड हुशियारपुर च खेतीबाड़ी जमीन 40 लाख रुपए की खरीदी गई सी। दावा किया गया कि मुखबीर कौर दे भरा वल्लों तोहफे विच जो 40 लाख रुपए दिते गए सन उस दे नाल ये जमीन खरीदी गई है। राजजीत ने सितंबर 2013 च मोहाली दे मुल्लापुर दे विच प्लाट खरीदया। इको सिटी 1 दे विच रिहायशी प्लाट 20 लाख रुपए का खरीदया गया सी। राजजीत मुताबिक एनआरआई दोस्त मनीष सिंह ने 20 लाख रुपए दिते सन। राजजीत की बेटी सुखमनी हुंदल दे नाम ते दिसंबर 2013 च प्लाट लिया गया। मोहाली दे मुल्लापुर दे विच इको सिटी 1 दे विच रिहायशी प्लाट 20 लाख रुपए का खरीदया गया। दावा किया गया कि प्लाट आईसीआईसीआई बैंक तो लोन लेके खरीदया गया। पिता की मौत के बाद हुशियारपुर के पिंड बोदल च 5 कनाल 14 मरले जमीन राजजीत के नाम हुई। जनवरी 2016 च मुखबीर कौर के नाम से रिहायशी प्लाट खरीदया गया। 1,50,01,000 रुपए का प्लाट मोहाली के सैक्टर 69 च खरीदया गया। दावा किया गया कि मोहाली के पिंड हुशियारपुर च 3 प्लाट वेचे गए ने अते 20 लाख रुपए मुखबीर कौर के भरा तो ले गए ने। प्लाट खरीदन दे लई राजजीत सिंह वल्लों आईसीआईसीआई बैंक तो 49,03,200 रुपए का लोन भी लिया गया। अक्तूबर 2017 दे विच मोहाली दे सैक्टर 82 च 55 लाख रुपए का उद्योगिक प्लाट लिया गया। दावा किया गया कि जलंधर के राओवाली पिंड दे विच 8 कनाल 18 मरले खेतीबाड़ी जमीन वेच के प्लाट लिया गया सी। मान सरकार की इस कार्रवाई के बाद एबीपी सांझा ने राजजीत सिंह का पक्ष जानने की कोशिश की पर वह घर नहीं मिले। उनका फोन नंबर भी ऑफ आया। पर इस सब के दरमियान सूबे की सियासत उबाल आ गया। अगर कोई व्यक्ति यहोजा हैगा उसे पे कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट के अंदर अगर वह खुलिया लिफाफा उसे जो ना आया उसे इन्होंने की करता वो सरकार क्यों तब पीठ पीठ थपथपाती है अपनी। साड़ी सरकार का वादा भी सी कि जिन्हां लोकां ने भी पंजाब की जवानी का घाण किया उन्हां लोकां दे जिहड़ी सख्त कार्रवाई है वह की जाऊगी। हाईकोर्ट के रिपोर्टा खुलन बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार कार्रवाई का दम भर रहे सन। अखीर हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्शन लिया। इन्ना ही नहीं, मुख्यमंत्री मान ने 17 अप्रैल नूं जलंधर दे विच कहा कि आने वाले दिनों कलेजे च ठंड पाउण वाले फैसले लैणगे। आने वाले दिनों थोनों वड्डे वड्डे फैसले सुनने नूं मिलणगे जिन्हां थोड़े कालजे नूं ठंड पौगी। कालजे नूं ठंड पैण वाले फैसले ने 2-3, मैं हजे अज नहीं दसने, बस 2-4 दिन ठहर जाओ। जदों बुलडोजर तुरे ना क्लच छड्या बुलडोजर दा उदों पता लग। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे इस संकेत दस रहे ने कि सरकार सख्ती दे रोच है। अजिहे च तत्काली एसएसपी राजजीत सिंह खिलाफ कार्रवाई नूं वड्डी उदाहरण दे तौर ते वेख्या जा रहा है। राजजीत सिंह अते बर्खास्त इंस्पैक्टर इंदरजीत सिंह दी यारी दी एसआईटी रिपोर्ट दे विच वी काफी चर्चा हुई है। इंदरजीत सिंह पहला ही जेल दे अंदर बंद है।
फिलहाल हुण समां इक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद SIT दी रिपोर्ट दे बारे जाणांगे जिस दे आधार ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजजीत सिंह नूं नौकरी तो बर्खास्त कीता है। हुण उस SIT रिपोर्ट की गल करदे आं जिहड़ी ड्रग माफिया ते अफसरां दे नैक्सस नूं बयान करदी है। नतीजा मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन दे विच ने। आखिर रिपोर्ट दे विच तत्काली SSP राजजीत सिंह अते बर्खास्त इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह दे बारे की कहा गया है। SIT दी रिपोर्ट दे विच इस जोड़ी दे बारे हुए तमाम खुलासे जानते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि SIT रिपोर्ट दा सच है। वो SIT जड़ी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस दे अफसरां दे ड्रग कनेक्शन दी कोक करन लई बनाई सी। ABP सांझा ते SIT दी पहली रिपोर्ट दे सारे खुलासे देखण तो पहला एक चीज चंगी तरह नाल समझ लो कि हाई कोर्ट नू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाउणी क्यों पई सी। असल च ड्रग नू ठल पाउण लई बनी STF ने 12 जून 2017 च पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह नू गिरफ्तार कीता। इंद्रजीत दे घर तो 2 AK-47 असॉल्ट राइफलां ते भारी मात्रा दे विच ड्रग बरामद हुई। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने पुछगिछ दे विच तरन तारन अते हुशियारपुर च अपने SSP रहे राजजीत सिंह ते कई गंभीर इल्जाम लगाए। STF ने राजजीत सिंह ते इंद्रजीत सिंह नू सामने बिठा के पुछगिछ कीती। SSP राजजीत सिंह नू लग्या कि STF दे अफसर उस नू गिरफ्तार कर सकदे ने। राजजीत ने हाई कोर्ट च रिट दाखिल करके किसी दूजे अफसर तो जांच करवाउण दी फरियाद कीती। हाई कोर्ट ने दिसंबर 2017 च DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दी अगुवाई च 3 मैंबरी SIT बनाई। SIT ने इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह अते SSP राजजीत सिंह ते लगे इल्जामा ते 30 जनवरी 2018 नू अपनी पहली रिपोर्ट हाई कोर्ट नू सौंपी। SIT रिपोर्ट दे मुताबिक इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ते लगे इल्जाम संगीन ने। गुरजीत सिंह, साहिब सिंह, दलबीर सिंह ते BSF दे बर्खास्त जवान सुरेश त्यागी नाल रल के पाकिस्तान तो ड्रग स्मगलिंग करदे सन। गुरप्रकाश सिंह उर्फ सनी, प्रेम सिंह ते उसदे 18 साल दे बेटे सतरपाल सिंह नू ड्रग केस फसाया। सतरपाल 12वीं जमात दे विच पढ़दा सी। ड्रग्स केसां च मुलजमां तो मोटी रकम लै के जमानत ते डिस्चार्ज ही नहीं बरी करवाउण दा इल्जाम भी इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ते सी। फोरेंसिक लैब च ड्रग दे सैंपल फेल करवाउण अते लैब दी रिपोर्ट नू लटका के कोर्ट च मुलजमां नू फायदा पहुंचाया। पैसिआं खातिर लोकां नू झूठे ड्रग्स केसां च फसाउण दी तसदीक SIT ने कीती है। हुण तुहानू दस दिआं कि आखिर SIT दी रिपोर्ट की कहिंदी है। तरन तारण दा CIA इंचार्ज रहिंदा इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने 6 जून 2014 नू 7 लोकां दे खिलाफ 205 नंबर केस दर्ज कीता। इस केस च 16 होर लोक नामजद कीते गए। FIR मुताबिक इस केस च रसूलपुर पिंड दे गुरजीत सिंह तो 13 किलो हैरोइन बरामद हुई, अमनदीप सिंह तो 11 किलो ते जगजीत सिंह तो 150 ग्राम, बाकी 20 मुलजमां तो कोई बरामदगी नहीं हुई। पर पुलिस ने वेले सिर चार्जशीट दाखिल नहीं कीती, लिहाजा 23 दे विचों 3 मुलजम अदालत तो डिस्चार्ज हो गए, बाकियां नू जमानत मिल गई। SIT नू पता लग्या कि इस केस च इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने गुरजीत दी निशानदेही ते गुरप्रकाश सिंह नू गिरफ्तार कीता सी। दिलचस्प गल ए है कि पुलिस ने गुरप्रकाश नू 15 जून 2014 नू नामजद कर लिया, पर उसकी गिरफ्तारी हुई 7 जनवरी 2015 नू। इसे दरमियान 29 जून 2014 नू तरन तारन दे सिटी थाने च गुरप्रकाश सिंह दे खिलाफ NDPS एक्ट दे तहत 249 नंबर FIR दर्ज हुंदी है। जेकर इस केस च गुरप्रकाश सिंह गिरफ्तार होया तां 205 नंबर FIR च उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कायदे नाल गुरप्रकाश नू जनवरी 2015 दी बजाय उदों ही गिरफ्तार करना चाहिदा सी, पर इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अजिहा नहीं कीता। गुरप्रकाश नू 2014 दे ड्रग केस च 2015 च गिरफ्तार कीता गया। 15 जून वाले केस च उसनू 29 जून नू गिरफ्तार ना करके जनवरी 2015 च करन पिछे SIT नू कारण कुछ होर लगदा है। SIT नू लगदा है कि इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह नू SSP राजजीत सिंह दी शह सी, ताही ता जून 2014 च इस केस च 3 लोकां तो 24 किलो हैरोइन फड़न दे लई
एसएसपी राजजीत सिंह ने इंदरजीत सिंह नूं डबल प्रमोशन देन दी सिफारिश कीती, जदों कि पुलिस बरामदगी दे बावजूद चार्जशीट दाखिल करन च फेल होई सी अते इन्नी वड्डी रिकवरी दे बाद भी मुलजमां नूं जमानत मिल गई। गुरप्रकाश ने एसआईटी नूं दस्या कि इंस्पैक्टर इंदरजीत सिंह ने उस नूं 26 जून 2014 नूं दुकान तों चुकिया 20 लाख रुपए मंगे, वो इन्ने पैसे नहीं दे सकिया, इसलिए 3 दिन बाद 29 जून नूं 249 नंबर एफआईआर दर्ज कर इंदरजीत ने उस नूं ड्रग दे केस च गिरफ्तार कर लिया। गुरप्रकाश की 6 साल की बेटी मुलाकात दे लई जेल आई, पिता नूं देख के उस नूं इन्ना सदमा लग्या कि थोड़े दिन च उसकी मौत हो गई। बेटी दे अंतिम संस्कार ते गुरप्रकाश ने मीडिया दे सामने इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंह ते 20 लाख रुपए मंगण दे इल्जाम लगाए। इस बयान दे 8 महीने बाद इंदरजीत सिंह ने गुरप्रकाश नूं जनवरी 2015 दे विच गिरफ्तार किया, जदों कि गुरप्रकाश उस तो पहला एक होर केस दे विच गिरफ्तार सी। एसआईटी दे मुताबिक 5 सितंबर 2013 नूं तरनतारन दे सरहाली थाने च ड्रग रिकवरी दा केस दर्ज होया। इंदरजीत सिंह इस केस च 6 लोगों नूं नामजद करदा है। खेमकरन दे रशपाल सिंह तो 4 किलो हैरोइन बरामद हुई। इस केस च सारे मुलजमान नूं हाई कोर्ट तो जमानत मिल जाती है, क्योंकि पुलिस उन्हां दे खिलाफ वेले सिर चार्जशीट दाखिल नहीं करती। एक केस सितंबर 2013 च दर्ज होया सी अते पुलिस ने चार्जशीट 1.5 साल बाद 20 दिसंबर 2014 नूं दर्ज की। कायदे नाल मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद 90 दिन च चार्जशीट दाखिल होनी चाहिदी सी। 18 साल दे सतरपाल ने एसआईटी नूं दस्या कि रशपाल सिंह दे फड़े जाण दे बाद इंस्पैक्टर इंदरजीत सिंह नूं दस्या कि सतरपाल अते उसदे पिता प्रेम सिंह भी ड्रग तस्करी दा काम करदे ने। इंदरजीत ने उन्हां दे घर छापा मारिया पर असी घर नहीं सी। रेड दे डर करके प्रेम सिंह ते सतरपाल इंस्पैक्टर इंदरजीत दे दलाल साहिब सिंह नूं मिले। ओ पट्टी तहसील दा रहण वाला है। दलाल ने प्रेम सिंह अते सतरपाल नूं कहा कि इंस्पैक्टर इंदरजीत नूं 25 लाख रुपए देण दे नाल मसला खत्म हो सकदा है। इसे दरमियान इंस्पैक्टर इंदरजीत सिंह सतरपाल दे पिता नूं 200 ग्राम हैरोइन दे नाल गिरफ्तार कर लैंदा है। सतरपाल अगे दसदा है कि पिता दी गिरफ्तार होण ते उन्होंने 25 लाख का बंदोबस्त किया। साहिब सिंह दे जरिए पैसा इंस्पैक्टर इंदरजीत सिंह नूं पहुंचाया। बावजूद इस दे इंस्पैक्टर इंदरजीत सिंह ने सतरपाल नूं 2013 दी 82 नंबर एफआईआर च गिरफ्तार किया। इस केस च सतरपाल तो 26 नवंबर 2013 नूं 1 किलो हैरोइन अते 15 लाख रुपए की बरामदगी दसी गई। इन्ना ही नहीं, इंस्पैक्टर इंदरजीत ने सतरपाल नूं ड्रग दे एक होर केस च नामजद किया। एक केस 1 अक्टूबर 2013 नूं सरहाली थाने च दर्ज होया सी। इस मामले च सतरपाल तो 10 लाख रुपए की बरामदगी दिखाई गई। सतरपाल नूं 26 नवंबर 2013 नूं अमृतसर जेल भेज दिता गया। मैनूं साहब सिंह फोन करके कहिंदा वी इदां ओह आऊगा ओहदे नाल चल जी, तैनूं सीए स्टाफ सद्दिया वा इंदरजीत ने। मैं आ गया जी, मैनूं इत्थे उहनां ने 10-15 दिन रख्या हवालात च। कदी इत्थे अपने हवालात रख दे, कदी अपने उत्थे क्वार्टर लै जांदा सी इंदरजीत पुलिस लाइन तरन तारन। मैं तुहानूं आंदे सीगे फिर 10 लाख रुपया दे, नहीं तो तेरे भी परचा पा देंगे। मेरे घरदियां नूं कहिंदे साहब सिंह नहीं होए पैसे, उन्होंने मेरे ते परचा पा दिता जी किलो हीरन अपने कोलों ही, पता नहीं चोरी की एक गड्डी सी वो करके शो करता जी, नाल 15 लाख रुपया, एक 10 लाख रुपया दूजे केस विच होर केस च पाता जी। मैं उदो प्लस टू कर रहा ही, मैं फिर प्रोडक्शन वारंट ते लिया जाता जी। इंदरजीत आंदा तू चंगा नहीं किया वो गल पिया वा, मेरे तो एक होर एफ आई आर दर्ज करके मैं प्रोडक्शन वारंट ते लिया। आंदा तेरी बेल हो गई है दूजे केस में आ तेरे ते, फिर मैं परचा पा दा तेन, मैं सारी उम्र बाहर नहीं आने देना, इदा कहता सी। हैरान करने वाली गल ए है कि इंस्पैक्टर इंदरजीत सिंह दा तथा कथित दलाल साहिब सिंह भी ड्रग्स दे एक केस फड़िया गया अते उसनु भी अमृतसर जेल भेजा गया। जेल च खार खा के बैठे सतरपाल ने साहिब सिंह नाल कुटमार कीती। इंदरजीत सिंह नु सतरपाल दी हरकत नागवार गुजरी। उसने सतरपाल नु ड्रग दे एक होर केस दे विच नामजद किया। सतरपाल पुराने केस च पहला ही जेल सी। पुलिस ने 18 जुलाई 2014 नु उसनू नवे केस च भी गिरफ्तार कर लिया। सतरपाल नू प्रोडक्शन वारंट ते अमृतसर जेल तो तरन तारन लिया गया। एसआईटी नू सतरपाल ने दसिया
के इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह नूं देन दे लई 25 लाख रुपए का इंतजाम किवें कीता गया सी। सतरपाल नूं 1 किलो हेरोइन बरामदगी दे जिस केस दे विच इंस्पेक्टर इंद्रजीत ने गिरफ्तार किया उसके सैंपल लैबोरेटरी नूं 6 महीने बाद भेजे गए। कायदे नाल ड्रग बरामदगी दे इस केस च शक्की ड्रग दे नमूने सीलबंद करके लैब नूं नालों नाल भेजे जांदे ने। यही वजह सी कि इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह दे सारे मुलजम अदालत तो जमानत ते छुट गए। एसआईटी रिपोर्ट दे मुताबिक इस तो साफ पता लगता है कि इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह लोकां नूं ड्रग दे झूठे केसां च फसा के पैसा वसूलदा सी ते फिर जमानत च मदद करन दी मंशा दे नाल जांच जानबूझ के कमियां छड़दा सी। ड्रग दे मामले च इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह दी जांच प्रक्रिया नूं लेके अदालत ने ना सिर्फ सवाल चुके बल्कि मुलजमान नूं कानून दे पंजे तो बचाउण दे लई पुलिस जांच च होईयां लापरवाहियां दा वी वेले वेले जिक्र कीता। पर इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह दीआं जड़ां लंबियां सन इसे लई लंबे वेले तक उसका कुछ नहीं विगड़िया। पंजाब पुलिस का हाल देखो। एसआईटी रिपोर्ट कहती है कि इंद्रजीत सिंह कागजां च हवलदार सी पर बावजूद इस दे ऑन रैंक प्रमोशन दे आधार ते उसनू इंस्पेक्टर दा अहुदा बख्शा गया। हुण इक होर ब्रेक लई रुकदे आं ते ब्रेक तो बाद राजजीत सिंह दी गल करांगे। आखिर क्यों राजजीत सिंह एसआईटी दे घेरे दे विच रहे ने। एआईजी राजजीत सिंह नूं मान सरकार नौकरी तो बर्खास्त कर चुकी है। रिपोर्ट दे विच राजजीत सिंह ते कई गंभीर सवाल चुके गए ने। इत्थे उन्हां तमाम सवालों की गल करदे आं जिहड़े राजजीत सिंह नूं कटहरे दे विच खड़ा करदे ने। काग इंस्पेक्टर होने के नाते इंद्रजीत सिंह जानता सी कि एनडीपीएस तहत रेगुलर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई दे हेठले दर्जे का पुलिस मुलाजम केस नहीं बना सकता। फिर भी हवलदार होंदे हुए वो ड्रग रिकवरी दे इन्ने वड्डे केस हैंडल करता रहा। दस्तावेजा नूं जांचण अते गवाहां नूं एग्जामिन करन दे बाद एसआईटी नूं तरनतारन दे तत्कालीन एसएसपी राजजीत अते इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह दे दरमियान नजदीकियां दे सबूत मिले। राजजीत ने ही इंस्पेक्टर इंद्रजीत नूं तरनतारन च तैनात करन दी सिफारिश भेजी सी। राजजीत 14 अप्रैल 2013 नूं तरनतारन दे एसएसपी नियुक्त हुंदे ने। एसएसपी बनदे ही 10 मई 2013 नूं राजजीत सिंह पुलिस हेडक्वार्टर नूं चिट्ठी लिखदे ने कि जलंधर ग्रामीण च तैनात इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह दीआं सेवावां दी तरनतारन जिले नूं सख्त लोड़ है। इस तों साफ हो गया कि एसएसपी राजजीत ने दागी इंस्पेक्टर दीआं सेवावां मंगीआं सन। हालांकि राजजीत सिंह एसआईटी दे सामने पुलिस हेडक्वार्टर नूं चिट्ठी भेजन दी गल तों मुकर गए सन पर एसएसपी दे अधीन काम करन वाले ओएसआई ने मन्या कि इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह दी तैनाती दी चिट्ठी एसएसपी राजजीत दे कहण ते लिखी गई सी। 31 मई 2013 नूं इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह नूं तरनतारन भेजन दा आदेश होया। 5 मई नूं इंद्रजीत तरनतारन पहुंच गया। अगले ही दिन एसएसपी राजजीत सिंह ने इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह नूं सीआईए स्टाफ दा हेड लाया। राजजीत नूं पता सी कि इंद्रजीत सिंह रेगुलर इंस्पेक्टर नहीं बल्कि हौलदार है अते उसका रिकॉर्ड भी दागदार है। इंस्पेक्टर इंद्रजीत के खिलाफ दो केस दर्ज सन, एक भ्रष्टाचार का ते दूजा चोरी का। विभागी सजा के तौर पर इंद्रजीत की नौकरी च भी एक साल की कटौती हुई सी। फिर भी राजजीत ने 19 सीनियर इंस्पेक्टर अते 11 सब इंस्पेक्टर की अनदेखी कर इंद्रजीत सिंह नूं सीआईए स्टाफ का इंचार्ज बनाया। इन्ना ही नहीं एसएसपी राजजीत ने इंद्रजीत नूं 24 किलो हेरोइन बरामद कराउण दे केस दे विच इको नाल दो प्रमोशन देण दी सिफारिश कीती। इंद्रजीत सिंह दे खिलाफ चल रही विभागी जांच अते अपराधिक मामलियां च वी एसएसपी ने पुलिस हेडक्वार्टर नूं गुमराह कीता। 7 अगस्त 2014 नूं राजजीत सिंह दा तबादला तरनतारन तों एसएसपी हुशियारपुर होया। राजजीत ने अपने चहेते इंस्पेक्टर इंद्रजीत तों बिना पुलिस हेडक्वार्टर दी मंजूरी दे तरनतारन तों हुशियारपुर भेज दिता। राजजीत हर हाल च इंस्पेक्टर इंद्रजीत नूं अपने नाल रखना चाहुंदा सी। इसे लई 11 अगस्त 2014 नूं आईजी हेडक्वार्टर नूं पत्र लिखिया कि इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह बेहद काबिल ऑफिसर ने, जांच दे विच निपुण ने, इसलिए उन्हां दीआं सेवावां हुण अमृतसर रेंज तों जलंधर रेंज दे विच तब्दील कीतियां जाण। इंद्रजीत नूं जलंधर रेंज दे अधीन हुशियारपुर जिले च तैनात कीता जाए। 2 दिन च इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह नूं हुशियारपुर दा सीआईए इंचार्ज नियुक्त कर दिता गया। राजजीत सिंह हुण हुशियारपुर दे एसएसपी सन ते उन्हां दा चहेता इंद्रजीत सिंह इंस्पेक्टर सीआईए।
ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਓਆਰਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁਣ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਖਿਲਾਫ 2 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 10 ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ACR ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਜੀਤ 2013 'ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2015 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਤਮਾਮ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਸ ਸਮਗਲਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਖੀਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਝੋਤੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 12 ਜੂਨ 2017 'ਚ SPF ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ SSP ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ SPF ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ SIT ਬਣਾਈ। ਤਤਕਾਲੀ ADGP ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ SIT ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। SIT ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਵਾਲ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਚਾਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ NRI ਵਿੰਗ 'ਚ AIG ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ SIT ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। SIT ਨੇ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ SIT ਸੱਚ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ DGP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੱਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ। 4th ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਸਾਇਨ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
2018 यानी 5 साल पहला सौंपी रिपोर्ट नूं खोले ना जाण ते सवाल खड़े हो रहे सी। इसे लिए आखिरकार 28 मार्च नूं हाई कोर्ट च चारों रिपोर्ट्स खुल गईयां, पर हाई कोर्ट ने चौथी रिपोर्ट रिसील कर दिती। चार चो तीन रिपोर्टां खोल के पंजाब सरकार नूं कार्रवाई लई दे दित्तियां गईयां। हालांकि सरकार चाहुंदी है कि चौथी रिपोर्ट भी उन्हां नूं खोल के कार्रवाई लई दित्ती जावे। मान सरकार ने 15 फरवरी नूं हाई कोर्ट च रिपोर्ट्स जनतक करन ते सहमति दित्ती सी। नतीजा 28 मार्च नूं हाई कोर्ट ने तीन रिपोर्ट्स खोल के सरकार नूं कार्रवाई लई आख दित्ता। फिलहाल दे लई इना ही। देश दुनिया दीआं तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो एबीपी सांझा।